नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके साथ आप लोगों के साथ आइए नजर डालते हैं सुबह सवेरे की। वहीं बारा जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। वहीं अंता में 3 मरीजों के आने से मचाए प्रशासन में हड़कंप। वहीं राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया जाए, कृषि में करें नवाचार। निवाई के बड़ा गांव विद्यालय की छात्राओं ने फहराया है परचम। राजगढ़ में पानी के लिए खोदी सड़क, ना मिला पानी ना ही रही सड़क। 12 में राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की घोषणा कर सरकारी स्तर पर बनाए जाने की अनुकंपा के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। सिकराई के अंदर टिड्डी दल का हमला फिर देखने को मिला है। घूमना, जयसिंहपुरा, पाटन, बुजोट गांव में टिड्डी दल आ चुका है। ग्रामीण अपने स्तर पर कर रहे हैं टिड्डी दल को भगाने का प्रयास। वहीं 12 के अंदर सांकेतिक धरना देकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस के नेताओं पर सरकारी एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग कर CBI, ID और इनकम टैक्स के छापे दुर्भावनापूर्वक किए जा रहे हैं। 12 जिले के अंदर सीसवाली में 74 वर्षीय सेवानिवृत्त अध्यापक निकला कोरोना पॉजिटिव। परिवार के सदस्य को भी लिया गया कोरोना सैंपलिंग। वहीं राजगढ़ जिले के भोपाल रोड स्थित नरसिंहगढ़ ब्यावरा के बीच मोतीपुरा के निकट टवेरा और इंडिका की भिड़ंत हो गई। वहीं सैसपुरिया में 12वीं बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।